हेलो गाइस, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? देख सकते हैं कि हमारी दूसरी मकान की तैयारी चालू हो चुका है और दूसरी मकान हम लोग रोड पे बना रहे हैं। वाली मकान भी रोड पे थी, ये हमारी गाड़ी है, साइकिल है और यहाँ पे मिस्त्री लोग अपना कच्चा माल डाल रहे हैं। एक कच्चा माल बना के और पिलर का जो बेसमेंट होता है, बेसमेंट में डालेंगे लोग। यहाँ पे देखिएगा, भैया के मित्र हैं, जो कि वो भैया के मित्र थे तो बोले थे कि नहीं, हम ईटा सरियाते, देखते कैसा होता है। हमारे भैया देख रहे हैं और वहाँ पे मिस्त्री अपना पिलर का जो बांधते हैं, रिंग वगैरह, वो लोग बांध रहे हैं। और यहाँ पे एक लेबर को लगा दिए हैं खनने के लिए, जो कि खुदैया का काम स्टार्ट कर दिया। 5 फीट खन चुका है और 1 फीट इसको खनना है और 4 फीट चौड़ा हम लोग किए हैं बेसमेंट, जो पिलर का होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं ये लेबर हमें कुछ बोल रहे थे। और यहाँ पे देखिएगा साथियों, बताने में बड़ी खुशी की बात हो रही है कि जिस दिन हम लोग पिलर बेसमेंट का काम करना स्टार्ट किए, उसी दिन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाकर हम लोग पूजा किए। और सबसे बड़ी बात बता दें साथियों कि उसी दिन गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। और गुरु रविदास जी के जन्मदिन के पर ही हम लोग सोचे कि अपने जो पिलर का बेसमेंट का कार्य हो रहा है, वो पिलर को भी खड़ा करेंगे और बेसमेंट को भर देंगे। तो साथियों, मिस्त्री लोग भी बड़े खुश हुए, बोले कि बहुत ही अच्छा कार्यभार कर रहे हैं आप लोग। हमारे बड़े भैया हैं, बच्ची है, बच्ची को देख रहे हैं, बच्ची है, फूल चढ़ा रही है। बच्ची के साथ बोले भैया कि हम भी आएंगे बच्ची के साथ। तो ये हमारे बड़े भैया जी हैं, जो कि बच्ची के साथ फोटो खिंचवाए। फिर हमारे बड़े भैया भी पूजा करेंगे, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध और गुरु रविदास जी का पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद एक एक से हमारे घर के लोग पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद वहाँ पे देख रहे हैं कि साथियों की मिस्त्री अपना कारोबार बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, जो कि बेसमेंट का काम हो रहा है, जो बेसमेंट का काम है वो बहुत ही अच्छा से कारोबार करा रहे हैं। हमारी माता जी हैं, माता जी आके कैंडल धराने जा रही हैं। ये हमारी बच्ची है तो ये बोल रही थी कि हम ज़्यादा ज़्यादा फूल डालेंगे, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर पूजा कर रही है, फूल डाली है, फिर अब फूल डाल के फिर पूजा करेंगी बच्ची। और हमारी माता जी हैं तो माता जी बता रही हैं कि थोड़ा थोड़ा फूल डालो। यहाँ पे देख रहे हो, वर्कर लोग अपना मसाला फेंट के डाल रहे हैं। ये हमारी बड़ी भतीजी है, जो कि ये भी जा रही है पूजा करने के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी पूजा कर ली, हमारी बड़ी भतीजी है। वहाँ पे लेबर है और मिस्त्री है, तो लेबर बहुत ही अच्छा से काम कर रहे हैं, जैसे जैसे मिस्त्री बता रहे हैं। और जो पिलर का बेसमेंट है, बहुत ही अच्छा भराई दे रहा है। वो जो मिस्त्री है, मिस्त्री बोले कम से कम 2 फीट चौड़ा होना चाहिए बेसमेंट पिलर का। हम लोग बोला ठीक है कोई बात नहीं, 2 फीट चौड़ाई हम वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, पिलर का सामान गिर चुका है, हम लोग फार्मा लेकर चले आए हैं। और ये जैसे खड़ा हो जाएगा, इसमें फार्मा डाल के फिर इसका चुनैया जो कार्य रहेगा मसाला डालने का, वो कार्य स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, हम लोगों को काफ़ी समय कम है और काफ़ी समय कम में ही हम लोग का कार्य जो घर का है, ये बहुत ही तेजी गति से इसके लिए लेबर वर्कर बहुत ज़्यादा बढ़ा के हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी माता जी हैं, माता जी फूल चढ़ा रही हैं, अब लड्डू चढ़ा रही हैं, गुरु रविदास जी को चढ़ा रही हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन है आज के दिन। तो गुरु रविदास को चढ़ाने के बाद बाबा साहब को चढ़ाएंगी, पूजा करेंगी, फिर गौतम बुद्ध को करेंगी। ऐसे करके फिर सबको मीठा बांटा जाएगा साथियों, तो सबका मुंह मीठा होगा। इसी तरह वीडियो पर बने रहिए, हम आपको दिखाएं कैसे मकान को तैयार किया जाता है शुरू से अंत तक, और कितने सरिया डालना चाहिए पिलर वगैरह में। तो साथियों, कम से कम सरिया आपको डालना चाहिए, अगर 2 मंजिला 3 मंजिला लेकर जाना चाहते हैं तो आप कम से कम 6 सरिया डालिए आप एक पिलर में। जी हाँ सर, 6 सरिया डालेंगे तो आपका मजबूती बेशक बरकरार रहेगी। यहाँ पे देखिएगा, हमारा कालम खड़ा हो चुका है और माता जी हैं दूसरी कालम के पास आके कैंडल धरा रही हैं। और कैंडल धराने के बाद इसमें फूल छिड़केंगी कि बाबा साहब हमारे परिवार को बनाए रखिए और हमारा घर द्वार जो है मजबूती से रहे। तो पूजा कर रही हैं अपने तरीके से, यहाँ पे देख रहे हैं माता जी ने फूल छिड़क दिए हैं और सब गाड़ों में फूल छिड़क रहे हैं। हर एक गाड़ा साथियों बता दें कि अगर कालम खड़ा करना है तो एक कालम कम से कम 6 फीट अंदर तक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको एक एक से चीज़ें दिखाएंगे कि कितना चीज़ें क्या क्या डालेंगे तो मजबूती आपके घरों में बरकरार रहेगी तो साथियों। यहाँ पे इसी देख तरह रहे हैं बने लोग, रहिए, सब सब लोग, लोग हमारे बाबा साहब का पूजा हो चुका है और माता जी लड्डू भी चढ़ा दिए, हमारे भैया हैं और हम हैं, वो वहाँ पे कैमरा कर रहे हैं, हमारा भतीजा है जो हमारा फोटो ले रहा है वीडियो, हमारी माता जी हैं, बड़े भैया हैं और हमारी बच्ची है,
जो कि भैया बहुत ही अच्छे से पूजा कर रहे हैं। आपको तो वीडियो में दिखा दिया, आपको यहाँ पे देखिए कालम कैसे खड़ा होता है। साथियों बता दूं कि 1300 एरिया था, 1300 एरिया में टोटल कालम के लिए हम लोग बस 10 कुंटल सरिया लाए थे, और 10 कुंटल सरिया साथियों बता दें कि सब इसमें ही खत्म हुआ है। हम शुरू से अंत तक दिखा रहे हैं, इसमें देखते जाइएगा कैसे कालम बनाया जाता है, कैसे खड़ा किया जाता है, कितने का मसाला पड़ेगा, और गाढ़ा को कैसे खनाएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे लेबर लगा दिए हैं, लेबर ने अपने बहुत ही अच्छे से एकदम चारकोन में 4x4 का गाड़ा खन रहे हैं, जो कि 6 फीट अंदर तक खनेंगे। इसको फाइनली दिखाएंगे। यहाँ पे मिस्त्री साहब है, तो मिस्त्री साहब अपना जोड़ैया का काम स्टार्ट कर दिए हैं, और हम लोग वैसे बीम फेंक के नहीं कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग दीवार नहीं दौड़ाएंगे, उस दीवार दौड़ेगा तब उस पर हम लोग बीम का जो सिस्टम होता है वो लोड डालेंगे, तो उससे मंजबूती और बरकरार रहती है। 4-5 मंजिल तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे देख लीजिएगा गिट्टी वाला आ गया है, टाली से गिट्टी गिरा रहे हैं। हमारे बड़े भैया थे तो वहाँ पे सोचे हैं कि गिट्टी मिट्टी पे गिरेगी, तो वहाँ पे फिर प्लास्टिक का एक चट था, उसको भी बिछा दिए हैं। और यहाँ पे 2 मिस्त्री लग के अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको दिखाई दे रहा है साथियों, कि यहाँ पे मिट्टी भी हम लोग गिराए थे तो मिट्टी ओवर हो चुकी है, तो मिट्टी मिट्टी भी अभी गिराना है, लेकिन इस रूम में हमें लगता है थोड़ा मोड़ा ओवर है, तो कोई बात नहीं है साथियों। यहाँ पे वो चौकी है, वहीं पे लेबर लोग अपना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ का तो रिंग बना चुका है, जो इसमें इस पे बीम ढालना है साथियों, तो वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए गाढ़ा कितने अच्छे से खन रहा है वर्कर, और देखिए चरकोन में खना जाता है। साथियों बता दें एक चीज़ कि लोग जल्दबाजी के लिए जेसीबी से खनवाते हैं, जेसीबी से ना खनवा कर 200 रुपया बेसी दीजिए, लेकिन लेबर से खनवाएंगे तो आपका 4x4 का गाढ़ा एकदम चरकोन में खनेगा और समतल तक खनेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा लेबर है, दूसरा लेबर भी खन रहे हैं, और ये दोनों जितने भी गाढ़ा हमारे हैं साथियों, टोटल 22 पिलर हैं, 22 पिलरों में कम से कम 6 फीट गया है गहरा, और चौड़ाई 4x4 का है। यहाँ पे देखिएगा कैसे कालम खड़ा हुआ है, कालम में हमारे देख सकते हैं 6 सरिया लगा हुआ है, 3 इधर से 3 उधर से। यहाँ पे देखिएगा 2 फीट का ढलैया हो रहा है, जो कि एक 4 मंजिल तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और तो और बता दे साथियों ये माल जो है 2 एक का माल है, सब लोग लगाते हैं 3 एक का माल, लेकिन ऐसा मत करिएगा आप लोग। जितनी मजबूती डालेंगे, आपको दूर से दिखा रहे हैं कि कितने कालम है, टोटल 22 कालम है। और साथियों बता दे कि आपको बता दे साथियों कि आप लोग 2 एक का माल डालिएगा, तो कम से कम आपका मजबूत पिलर वगैरह रहेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दूर से नज़ारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज साथियों सब फाइनल हो चुका है, और आज डलाने वाला पिलर जो बीम है, बीम पूरा ढला जाएगा, जितने बीमे हैं सब बीम ढला जाएगा आज। तो वर्कर लगे हैं, ये 11 वर्कर लगे हैं, 2 मिस्त्री लगे हैं, 3 लोगों के लिए घर पे भी हम लोग चिकन तंदूरी और पुलाव बनवा रहे हैं। ये लोग भी बोले कि चलिए कहीं नहीं खाए, लेकिन आज खाने को मिलेगा तंदूरी के साथ साथ चिकन भी। और यहाँ पे अपना जो मसाला है, मसाला फेंटने का कार्य स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लोग अपना कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, और वहाँ पे लेबर लग के ढलैया का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लेबर लोग हैं जो मसाला फेंट रहे हैं, मसाला फेंट के उनको दे रहे हैं। और साथ ही बता दें कि सब 2 एक का माल है, तो 2 एक का माल डालेंगे तो आपका पिलर मजबूत रहेगा। सेटरिंग हम सेटिंग वाले से कहते, सेटिंग वाले ने आकर सेटिंग कर दिया, और सेटिंग करने के बाद मिस्त्री अपना कार्यभार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा बहुत जल्दीबाजी से काम हो रहा है। और साथियों बता दें कि वहाँ पे हमारे बड़े भैया भी हैं, बड़े भैया देख रहे हैं कैसे ये लोग ढाल रहे हैं, और यहाँ पे हमारी माता जी हैं, माता जी भी देख रही हैं कि कैसे कैसे क्या कार्य हो रहा है, कितने लोग हैं, कितनी जल्दबाजी से कार्य कर रहे हैं लोग। तो साथियों अगर जल्दी से काम लेना है तो वर्कर और मिस्त्री बढ़ाना ही पड़ता है, वर्कर मिस्त्री बढ़े रहेंगे तो आपका कार्य बहुत जल्दी से होगा। तो हम लोगों को काफ़ी समय कम था, और काफ़ी समय में ही हम लोग सोचे कि मकान को तैयार कर दिया जाए, तो मकान तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीम का काम स्टार्ट हो चुका है, बीम ढला भी चुका है साथियों, थोड़ा मोड़ा बीम का है। यहाँ पे नज़दीकी से हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक वर्कर डाल रहे हैं, और मिस्त्री यहाँ पे चल के धुनिया का काम कर रहे हैं इसमें, और बहुत ही अच्छे से ये लोग पूरा भर देंगे। भरने के बाद साथियों इन लोगों को घर पे लेके चलेंगे, क्योंकि इन लोगों का बहुत मेहनत हो चुका है, बहुत ही हार्ड वर्क आज करना पड़ा है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आज ये सब ढाल के एकदम क्लियर हो गया, और आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा मोड़ा बचा है, ये भी आप भी सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे वर्कर डाल रहा है, और ये मिस्त्री साहब हैं जो कि बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ढलाई हो चुका है, और लेबर लोग को लेकर चल रहे हैं अपने घर, और इन लोगों को खिलाएंगे चिकन तंदूरी और पुलाव। यहाँ पे देखिएगा पूरा ढला के क्लियर हो गया, यहीं पे
10 वर्कर थे, 18 वर्कर, 12 वर्कर थे, 2 मिस्त्री थे, अब सब सुना हो गया, सब लोग आके हमारे घर पे खाना खा रहे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये लोग खाना खा रहे हैं। मुर्गा है, तंदूरी हमारी छोटी बच्ची है, जो कि बोले नहीं सलाद हम बांटेंगे, तो सलाद ये दे रही है। और यहाँ पे देखिएगा ये लोग बहुत ही अच्छे से खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद साथियों हम बयान वही ले आए हैं, तो एक दिन बाद आए के देखे हैं, तो सेटरिंग खोलने का कार्य सोच रहे थे खोलवाने के लिए, तो उसको बोले कि आकर सेटरिंग वाले अपना सेटरिंग खोल लो, क्योंकि हमें पानी डालना है, तो सेटरिंग खोल के लेकर चला गया। अब इस पर हम पानी डलवा रहे हैं साथियों, आप दूर से देखिएगा कितना अच्छा और कितना खूबसूरत उतरा है। जब 2-1 का माल लगेगा साथियों, तो आप लोगों का एकदम चिकना उतरेगा और मजबूती में कोई कमी नहीं रहेगा किसी भी प्रकार की। तो वहाँ पे एक वर्कर को लगाया हूँ, वर्कर अपना पानी डाल रहा है बहुत ही अच्छे से। आप सोच रहे हैं साथियों कि मशीन गड़वा लें, तो मशीन वाला को भी बुला दिए हैं और मशीन भी स्टार्ट हो चुका है, मशीन गड़ाने का काम चालू हो चुका है। मशीन अब मशीन मान लीजिए साथियों की मशीन अब गड़ जाएगा तो अपना कार्य इसी से होता रहेगा। तो मशीन वाले ने अपना कार्य कर रहे हैं, मशीन गाड़ रहे हैं साथियों। तो मशीन गाड़ने के बाद इसको दिखाएंगे, हम सोचें कि हम भी कैमरे के सामने आ जाए, नहीं तो बोलेंगे कि दूसरे का वीडियो है। इसके लिए मैं खुद कैमरे के सामने आया और दिखा रहा हूँ, अपने मकान में हेला हूँ फाइनली, और मकान देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये लोग मशीन का कार्य कर रहे हैं, और जो बोरिंग हो जाता है तो इसमें खुदैया का कार्य होता है पतली सरिया से, तो ये लोग भी अपना कार्य कर रहे हैं। और पानी कैसे निकलता है मशीन से ये भी आपको दिखाएंगे, शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। और साथियों और कैसे काम किया जाता है, कैसे करवाया जाता है, कितने का मसाला लगता है, और सरिया का भाई कितने का डालना चाहिए, और मैं जो रिंग होता है रिंग कितने भाई कितने का डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बता दिए। यहाँ पे मशीन का साना फाइनली हो चुका है, और मशीन में आ जाएगा पानी, तो पानी से आप भी पानी पीजिएगा, हम भी पानी पियेंगे, और ये मशीन से सारा काम होगा अभी स्टार्ट। तो लाइन पे बने रहिए इसी तरह। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितने लोग वर्कर आए थे शाम तक ले हमारा मशीन गाड़ दिए, और शाम तक मशीन गाड़ने के बाद पानी डाले इसमें। पानी डालने के बाद साथियों देख रहे हैं कि वो लोग वर्कर लोग अपना मिस्त्री लोग लग के पानी को धरा रहे हैं कि पानी पकड़ ले। हमने बोला कि क्यों नहीं पानी पकड़ेगा, तो पानी आ चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एकदम बालू टाइप पानी है, तो नया है तो बालू तो आएगा ही। अब जैसे धीरे धीरे चलाते जाएंगे तो पानी होगा फ्रेश, तो आप देखते रहिए फिर क्या क्या कार्य किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब मशीन गड़ा गया, तो अब सोच रहे हैं कि पिलर को भी खड़ा करा लें, तो पिलर का फार्मा लेकर आए थे साथियों, 10 फार्मा लेकर आए हैं, और 10-10 फार्मा करके पूरा फार्मा तैयार हो चुका है। आज लास्ट है, जो कि आज फार्मा भर रहे हैं, बारिश भी हो चुका था, मिस्त्री लोग बोले कि नहीं ठंडी लग रही है, मैं बोला कि बैठ लो 2-4 घंटा, तो 3 घंटा बैठे हैं, 3 घंटा पूरी बारिश हुई है, 3 घंटा बाद फाइनल अपना कार्य कर रहे हैं लोग। और फाइनल करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिलर में कैसे माल डाला जा रहा है, और माल डालने के बाद साथियों फिर खोलाएगा तो हम आपको दिखाएंगे, इसी तरह बने रहिए। और पिलर को जब भी खड़ा करवाना साथियों, तो वैसे लकड़ा डाल के पूरा उड़वाते रहना कि एकदम बरोबर उतरे साचा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक भी साउल सूता में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको मिस्त्री पकड़ना चाहिए कि आपका कारोबार 9:30 से कार्य करे, और बहुत ही बखूबी से अपना कारोबार करके आपका मकान तैयार करके दे साथियों, जैसे आप मांगे वैसे स्ट्रक्चर में दे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साथियों कि हमारी मकान अभी स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ का जो पिलर है, पिलर में तो भरा चुका है, और यहाँ पे मिस्त्री साहब हैं, तो मिस्त्री साहब को बताएं, मिस्त्री साहब दिखाएंगे अभी एक कलाकारी। देखिए साथियों यहाँ पे कभी भी पिलर आप लोग डलवाना, तो पिलर में ईटा जरूर डलवा देना, और फिर 10 मिनट बाद ईटा को निकलवा देना, क्योंकि जब आप लोग पानी डालेंगे तो इसमें पानी रहेगा तो धीरे धीरे तर करता रहेगा, और दूसरी पिलर जब डालना चाहेंगे उस पे से तो बहुत ही अच्छा से पड़ जाएगा। देखिए साथियों फाइनली हमारा फार्मा खुल चुका है, और फार्मा खुलने के बाद देखिए कितना अच्छे से ये साँचा निकल चुका है। आप सोच रहे तो साथियों बताइए कि हमारा काम कैसा लगा, और मिस्त्री वर्कर ले कैसा काम किए, एकदम लेवल बाय लेवल में कार्य किए हैं, और साहुल सूता में भी काम हुआ है साथियों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जोड़िया का काम स्टार्ट हो चुका है, अगल बगल से जोड़िया हो जाएगा, उसके बाद आगे से सब माटी पटाएगा, टाली की माटी आएगी तो माटी गिरेगा। तो आज मिस्त्री लोगों को बुला के ये उधर का भी फाइनली जुड़वा दिया है ईंट से 9 इंची का, और इधर से भी 9 इंची का जुड़वा दिया। मिस्त्री बोल रहे थे कि 9 इंची का जुड़वाएंगे तो और मजबूत रहेगा, हमने बोला बिल्कुल एकदम सही, तो 9 इंच का यहाँ पे जुड़ाई हो चुका है, आज फाइनल हो जाएगा शाम। तो दोस्तों फाइनल वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और
मकान जैसे तैयार स्टार्ट होगा तो हम और वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।